हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे कि यदि आपके चेहरे में दाग धब्बे मुहासों की प्रॉब्लम है तो उसे आप कैसे दूर कर सकते हैं, उसे दूर करने की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही है तो आप अपनी स्किन को कैसे चमकदार बना सकते हैं, स्किन की डलनेस कैसे दूर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है और अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहता है, लेकिन किसी कारण से उनके फेस में बहुत ज़्यादा डलनेस हो जाती है या डार्कनेस हो जाती है, कील मुहासे पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, फेस में दाग हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें तकलीफ तो होती है, साथ साथ उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा डाउन होता है। और हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन का यूज़ करते हैं या तरह तरह की क्रीम यूज़ करते हैं, कुछ लोग ब्यूटी प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन इसका यूज़ जब तक आप करते हैं तभी तक आपको रिलीफ मिलता है। जैसे ही आप इन मेडिसिन को छोड़ देते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन को छोड़ देते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम फिर से वहीं की वहीं आ जाती है। और बहुत से लोगों को तो मैंने देखा है कि उनको बहुत ज़्यादा मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं, जिससे उनका चेहरा और भी खराब हो जाता है। अब जान लेते हैं कि स्किन का डलनेस, स्किन में चमक कम होने या दाग धब्बे मुहासे होने के क्या कारण होते हैं। तो सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है न्यूट्रिशन की कमी। न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण हमारा जो फेस है बहुत ज़्यादा डल दिखने लगता है। आप ये जानते ही होंगे कि हमारा जो खान पान है वो हमारे एजिंग पर डिपेंड होता है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड, पैक्ड आइटम, बाहर का खाना, ऑयली स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं, जिससे वो 20 साल या 25 साल की उम्र में ही उनकी एजिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। मीन्स वो 35-36 ईयर्स के लगने लगते हैं और उनकी स्किन भी बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, स्किन में रौनक नहीं रहती, चमक नहीं रहती। तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारी फूड हैबिट्स। आपकी फूड हैबिट्स कैसी है ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन स्वस्थ रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर आप ग्रीनी लीफी वेजिटेबल खाते हैं, सीजनल फ्रूट्स खाते हैं, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिक ही बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी और आपकी स्किन में जो भी एक कील मुहासे धब्बे की प्रॉब्लम है ये भी कम हो जाएगी। देन सेकेंड रीज़न होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी हमारी स्किन थोड़ी डल हो जाती है या हमारी स्किन में पिंपल्स आ जाते हैं, हमारी स्किन जो है वो चमकदार नहीं रहती है। इसका एक रीज़न हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। देन थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कि हम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, कम नींद होने के कारण भी हमारा स्किन डल हो जाती है, आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न टेंशन, डिप्रेशन या नींद की कमी होती है। देन फोर्थ इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है वो हमारे स्किन पे डायरेक्ट अगर पड़ती है तो हमारी स्किन डल हो जाती है, चमक कम हो जाती है। तो अगर आप कभी भी बाहर जाते हैं और बहुत तेज़ धूप है तो अपने फेस को कवर करके ज़रूर जाएं। देन पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी के कॉन्टेक्ट में भी हमारी स्किन आने से हमारी स्किन डल हो जाती है, हमारी स्किन में पिंपल्स, दाग धब्बे मुहासे की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा अगर केमिकल पॉल्यूशन हो रहा है उसके कारण भी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, हमारी स्किन अनहेल्दी हो जाती है। इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट, स्पेशली लोकल ब्यूटी प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं तो भी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है या ख़राब भी हो जाती है। देन हेरिडिटी भी एक रीज़न होता है। अब बात कर लेते हैं बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथिक में बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स हैं जो हमारे स्किन को हेल्दी रखने में मदद करती हैं, साथ साथ स्किन के जो दाग धब्बे मुहासे हैं उनको दूर करने में मदद करते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन एजिंग को भी डिले करने में मदद करती है। तो आइए जानते हैं बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है बल्बेरिस एक्विफोलियम का क्यू। बल्बेरिस एक्विफोलियम के क्यू की पिक्चर्स आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसको लेने से ये आपके स्किन के जो दाग धब्बे मुहासे हैं उनको दूर करती है, साथ साथ पिंपल्स के बाद होने वाले जो दाग रहते हैं हमारी स्किन में छोड़ जाते हैं उसको भी दूर करने में मदद करती है, स्किन को हेल्दी बनाती है, चमकदार बनाती है। तो आप बल्बेरिस एक्विफोलियम का क्यू दिन में दो बार,
आधे कप नॉर्मल वाटर में 10 ड्रॉप्स ऐड करके ले लीजिए। आप इसका रिजल्ट खुद देखेंगे, आपकी स्किन में बहुत जल्दी चमक आ जाएगी और जो दाग धब्बे मुहासे हैं उनकी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। देन सेकेंड मेडिसिन है बल्वेरिस एक्विफोलियम का क्रीम। बल्वेरिस एक्विफोलियम की क्रीम भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और ख़ासकर हम उन पेशेंट को देते हैं जिन्हें हमेशा पिंपल्स की प्रॉब्लम बनी रहती है और पिंपल्स जो हैं दाग भी छोड़ के जाते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। आपको इस मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है, जब आप रात में सोते हैं उसके पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन करके जहाँ भी आपको मीन्स पिंपल्स की प्रॉब्लम है आप उस जगह इस मेडिसिन को अप्लाई कर लीजिए और सुबह आप प्लेन वाटर से अपने फेस को क्लीन कर लीजिए तो आपके पिंपल्स जो हैं वो कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएंगे, इवन जड़ से ख़त्म हो जाएंगे और आपको नए पिंपल्स भी नहीं होंगे और आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। देन थर्ड मेडिसिन है इचिनेशिया का क्यू। इचिनेशिया का क्यू भी हम खासकर उन पेशेंट को देते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डल रहती है, अनहेल्दी रहती है, स्किन में चमक नहीं रहती है, तो चमक बढ़ाने के लिए एजिंग को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, या उनको कहीं पिंपल्स या दाग धब्बे हैं उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है तो इचिंग को भी कम करने में इचिनेशिया बहुत मददगार होता है। तो अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो इचिनेशिया का क्यू 10 ड्रॉप्स आधे कप नॉर्मल वाटर में ऐड करके दिन में 2 बार आप ले लीजिए, आप इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखेंगे और आपकी स्किन इससे हेल्दी एंड फिट रहेगी और चमकदार भी रहेगी। देन फोर्थ मेडिसिन है सौंदर्य क्रीम। ये होम्योपैथिक क्रीम है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है या डार्क है तो ये स्किन को साफ करने में मदद करता है, साथ साथ आपकी स्किन में अगर कोई भी दाग धब्बे मुहासे नहीं है लेकिन आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्लैक है, ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं तो इसे भी दूर करने में सौंदर्य क्रीम बहुत ज़्यादा असरदार होती है। तो यदि आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप सौंदर्य क्रीम दिन में 2 बार ज़रूर यूज़ करिए। इसके अलावा सौंदर्य क्रीम हमारी स्किन को चमकदार बनाता है, हेल्दी बनाता है। तो ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनको अगर आप लेते हैं तो आपकी स्किन की जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। इसके अलावा एक और मेडिसिन है, लेकिन अगर आपको न्यूट्रिशन की कमी के कारण आपका फेस बहुत ज़्यादा डल है, मींस आप सही से डाइट नहीं लेते हैं, प्रॉपर डाइट की कमी के कारण या विटामिंस न्यूट्रिशन कैल्शियम आयरन फॉस्फोरस की कमी के कारण आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है, आपकी स्किन में ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं, वो भी चिक एरिया में बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर के स्पॉट्स हो रहे हैं, आयरन की कमी हो रही है उसके कारण आपको इस तरह के स्पॉट्स बन रहे हैं, तो आप होम्योपैथिक में एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है 5-4-6X। 5-4-6X की पिक्चर्स आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसको अगर आप लेते हैं तो ये आपकी जो न्यूट्रिशन की कमी है उसको दूर करता है, साथ साथ अगर आपको न्यूट्रिशन की कमी के कारण आपका फेस डल है तो ऑटोमेटिक आपका न्यूट्रिशन अगर कंप्लीट हो जाएगा आपकी बॉडी में तो आपकी स्किन की डलनेस भी दूर हो जाएगी। तो आप 5-4-4 टैबलेट दिन में 3 बार हल्के गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए, आपकी स्किन बहुत जल्दी चमकदार हो जाएगी। लेकिन केवल मेडिसिन लेने से ही आपकी स्किन हेल्दी एंड फिट नहीं रहेगी, उसके लिए आपको कुछ बैलेंस डाइट लेनी होगा, न्यूट्रिशन डाइट लेनी होगी, सीजनल फ्रूट्स लेने होंगे और ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स, सूप, जूस, इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। वाटर इनटेक भी अपना बढ़ाना होगा क्योंकि जब हम 3-4 लीटर पानी पीते हैं तो हमारी स्किन में ऑटोमेटिक चमक आती है। इसके अलावा अगर आप एजिंग को मेंटेन रखना चाहते हैं तो आपको बाहर का खाना, ऑयली स्पाइसी फूड, जंक फूड, रिफाइंड ऑयल या पैक्ड आइटम, इनको अवॉइड करना होगा क्योंकि ये हमारी एजिंग को बढ़ाते हैं, इसलिए आप इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। इसके अलावा एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन भी ज़रूर करिए, इससे भी हमारी स्किन हेल्दी एंड फिट रहती है। तो आप इन मेडिसिन को यूज़ करिए, कुछ प्रिकॉशन रखिए, बैलेंस डाइट लीजिए तो आपकी स्किन हेल्दी एंड फिट रहेगी। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।